देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,33,000 से भी ज्यादा नए केस है सामने, 3,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 14,123 नए मरीज आए सामने, जबकि 35,000 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 623 से भी ज्यादा केसेस आए सामने, 62 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 10,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। पीएम मोदी की बैठक के बाद लिया गया फैसला। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को तनाव नहीं दे सकते, उनकी सेहत और सुरक्षा प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जो घोषणा की है वो पूरे देश में लागू होगी। कोरोना की स्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये फैसला लिया गया। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1200 से भी ज्यादा नए केस आए सामने, एक दिन में 80 मरीजों ने तोड़ा दम। अब भी कोरोना के 16,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव है। कोरोना की थमती रफ्तार के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 800 से भी ज्यादा केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं मेडिकल कॉलेज में 75-75 बेड की व्यवस्थाएं की गई। दिसंबर तक देश की पूरी आबादी को टीकाकरण का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई तक की पर्याप्त डोज है। देश में सक्रिय मामलों में 50% की कमी आई है। 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक सप्ताह से लगातार मामले घट रहे हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवा ली है। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज 30 अप्रैल को लगवाई थी। बता दें कि हरियाणा में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। दुबई में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से पदक लेकर लौटे भारतीय टीम के हरियाणवी खिलाड़ियों का हरियाणा सरकार ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने ओलंपिक के मुद्दे पर कहा है कि ओलंपिक क्वालिफाइनल कर रहे खिलाड़ियों को सरकार 5,00,000 रुपए दे रही है। खिलाड़ी मेहनत कर प्रदेश का नाम रोशन करे। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए रोहतक पीजीआई मेडिकल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विशेष तौर पर 50 बच्चों के लिए 500 से भी बेड की सुविधाएं होंगी, जिसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और 40 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध रहेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का ह्यूमन बॉडी पर ट्रायल शुरू हो गया है। ये दवा कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ने के पहले हल्के और मध्य लक्षणों से सुरक्षा प्रदान करती है। भिवानी में जिला प्रशासन अब बाजारों में आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट करवाएंगे, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना टेस्टिंग करवाने में पलवल जिला हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले की आबादी 10.5 लाख के करीब है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की स्क्रीनिंग करने का कार्य किया गया है, जिसके आधार पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। अंबाला के सिविल अस्पताल में 25 मई से आस्था फाउंडेशन ने रसोई सेवा शुरू की, जिसमें लोगों को 5 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने नागरिक अस्पताल पहुंचकर रसोई सेवा का जायजा लिया। गुरुग्राम में जिला प्रशासन कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक साल 2020 से लेकर मई 2021 तक 1,70,000 से भी ज्यादा चालान काटे गए। टोहाना के नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करने के लिए विधायक देवेंद्र सिंह बबली के आने की सूचना पाकर किसान पहुंचे और काले झंडे दिखाकर नाराजगी जताई। कुरुक्षेत्र में पिहोवा के सरस्वती गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर में गैस कम निकलने से लोगों ने हंगामा कर दिया। उपभोक्ता ने सिलेंडर के वजन की जाँच की तो 2 किलोग्राम गैस कम मिली।
सिरसा के बनराला रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोरोना कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में तैनात पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी सुखविंदर सिंह सांगा ने लेन देन के मामले को लेकर जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया। इंद्री के वार्ड 4 में ललित सेट्टी के सुसाइड मामले में पुलिस एफएसएल से हैंड राइटिंग की मिलना रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन परिजन पुलिस के इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है। गुरुग्राम में बच्चे को हथकड़ी से बांध कर बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर बच्चे को हथकड़ी से बांध कर पीटे जाने का आरोप लगा है। सोनीपत में पश्चिमी यमुना नगर में 18 वर्षीय साहिल का 30 घंटे बाद शव बरामद कर लिया गया। अपने 3 दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए साहिल गया था, जहां वो पानी के बहाव में बह गया। चोरागांव में एक तेज रफ्तार डंफर मकान में घुस गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में बैठकर खाना खा रहे थे। गनीमत रही कि किसी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे में मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल हो गई है। निकिता कौल ढोंडियाल करना की रहने वाली है और उनकी पढ़ाई दयाल सिंह स्कूल में हुई है।